नमस्कार, आप देख रहे हैं निदेशक न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निदेशक न्यूज़ के एंड न्यूज़ में। साथियों, यहां पर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है शिक्षा मित्रों को लेकर। क्या 10,000 पर ही रिटायर होंगे शिक्षा मित्र? जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, सरकार ने जब से 20 तारीख यानी आज के कार्यक्रम का सुना है समाचार, तब से सरकार एकदम फॉर्म में आ गई है और उसने 60 साल तक शिक्षा मित्रों को ना हटाए जाने के लिए कहा है कि 60 साल तक उन्हें कोई भी नहीं हटा, यानी कि एक शिक्षा मित्र पूरी नौकरी अपनी 60 साल करेगा, उससे बीच में कोई नहीं हटा सकता है। ये एक शिक्षा मित्र महासम्मेलन के दबाव का ही नतीजा बताया जा रहा है। क्या 10,000 पर ही रिटायर होंगे शिक्षा मित्र? ये समाचार संवाददाता लखनऊ अमृत विचार से लिया गया है और 19 फरवरी का ये समाचार है। इसमें पूरा विस्तारपूर्वक लिखा गया है, प्रदेश भर में वैश्विक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का दायित्व निभा रहे शिक्षा मित्रों को 22 साल बाद ड्यूटी करने की समय समय सीमा 60 साल निर्धारित कर दी गई है। अब वेतन वृद्धि कब होगी, सवाल बड़ा बना हुआ है। अभी भी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रदेश सरकार के निर्णय को उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ ने स्वागत किया है और कहा है वेतन वृद्धि की क्या गारंटी है, क्योंकि आज के 22 साल पहले नियुक्ति के समय उनको 2250 रुपये दिया गया। शिक्षा मित्र संघ के मुताबिक प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से कभी शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाया जाए, वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 साल किए जाने के निर्णय के बाद उन शिक्षा मित्रों की भी टेंशन बढ़ गई है जो 60 साल अधिक उम्र सीमा के होकर भी ड्यूटी कर रहे हैं। इस पर क्या निर्णय होगा, इस बारे में शासन में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं 50 से अधिक उम्र पार कर चुके शिक्षा मित्रों का कहना है अब शिक्षा मित्र कोई इंटर पास नहीं है। अखिलेश सरकार में VTC की ट्रेनिंग करवाकर 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर तैनात किया गया था। वर्तमान में 10,000 रुपये पा रहे हैं शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार ने उन्हें 10,000 रुपये मानदेय के रूप में रखा है, लेकिन इतनी महंगाई में इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे में वेतन बढ़ोतरी को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। शिक्षा मित्रों की ज्वाइनिंग 2250 रुपये मानदेय पर हुई थी, जिसके बाद 24 कर दिया गया और फिर अब 2007 में 3500 रुपये कर दिया गया। इसके बाद सीधे VTC करवाकर सहायक अध्यापक पद पर तत्कालीन सरकार ने नियुक्ति कर दिया था, लेकिन पुनः उन्हें कोर्ट के आदेश अनुसार पुनः मानदेय पर जो कि 10,000 रुपये है पर रख दिया गया। सरकार का कहना है कि हमने शिक्षा मित्रों को निकाला नहीं है और उन्हें पहले से ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है, यानी 3500 से ज़्यादा बढ़ाकर 10,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बताना चाहेंगे, अनुदेशक और शिक्षा मित्र मात्र 9,000 और 10,000 रुपये के मानदेय में कार्य करने के लिए मजबूर है। ये कहाँ का इंसाफ है? मानक के अनुसार भी उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये असमानता क्यों, एक छत के नीचे एक 90,000 पा रहा है तो एक 9,000? शिक्षा में एक बराबर, कार्य भी एक बराबर, लेकिन ये बीच में एक खाई जो बनी हुई है उसे कब पाटा जाएगा प्रदेश सरकार के द्वारा? आज के इस शिक्षा महासम्मेलन से कुछ ना कुछ ज़रूर पॉजिटिव निकल कर आएगा। जैसा कि अभी सरकार ने दबाव में आकर 60 साल सीमा पूरी करने पर ही शिक्षा मित्र को रिटायर किया जाएगा, ये सूचना दी है प्रदेश के समस्त शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ, हम देंगे आपको आज की शिक्षा मित्र महासम्मेलन की वो हर खबर जिसको आप जानना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अनुदेशक न्यूज़ पर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी खबर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।